Hello everyone and welcome in the third part of the videos for the chapter light, and the topic is the ray diagram which is formed by the concave and the convex mirror. मुझे मालूम है कि ये थर्ड पार्ट आने में थोड़ी बहुत देर हो गई है, मगर आपके एग्जाम से जस्ट पहले ये एग्जाम्स के टॉपिक को लेकर मैं आ चुका हूं ताकि आप इनको अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से पढ़कर आप अपने एग्जाम्स को दे सके. बच्चों मैं देखता हूं कि रे डायग्राम से बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि आके रे डायग्राम्स कहां बन रहा है, कैसे बन रहा है. तो ये चीजें आज के इस वीडियोस के बाद आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. वैसे बच्चे जिनको ये मालूम है कि इमेज कैसे बनता है, रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज कैसे बनता है और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, अगर ये तीन सवाल के जवाब आपको मालूम हैं, तो आप रे डायग्राम्स को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं. लेकिन अगर आपको ये तीन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मालूम है, सो यू हैव टू गो बिहाइंड टू लुक आफ्टर द टू वीडियोस इन विच द लिंक इज गिवन इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नीचे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है इसमें मैं लिंक आपको दे दे रहा हूं ताकि आप उस लिंक को क्लिक करके अपने दोनों पार्ट को अच्छे से समझने और तब थर्ड पार्ट में आइए. समझने के बाद आपको इस चैप्टर्स में मजा आने लगेगा. तो बेहतर है, जैसा कि मैं हमेशा से पहले से कहता आया हूं, टेक आउट द कॉपीज एंड पेन एंड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स. क्योंकि बिना कॉपीज एंड पेन का अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, देन दिस वीडियो इज नन ऑफ योर यूज. ओके, सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर्स लाइट एंड द थर्ड पार्ट, दैट इज अ रे डायग्राम फॉर्म बाय रे डायग्राम बाय कंकेव एंड कन्वेक्स मिरर. कंकेव एंड कन्वेक्स मिरर. तो पिछले वीडियोस में आप लोगों को ये तो मालूम चल गया होगा कि कंकेव मिरर किसको बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं. तो बच्चों मैं इस जगह पर, यहां पर कन्वेक्स मिरर इसको रहने देता हूं, मैं इस जगह पर कर लेता हूं कंकेव मिरर. कंकेव मिरर. ओके, तो जरा गौर से देखिए. सबसे पहले मैं कंकेव से स्टार्ट करूंगा फिर कन्वेक्स में, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो. तो देखते हैं कंकेव मिरर. बच्चों एक खास बात, जब भी हम ये रे डायग्राम बनाएंगे कंकेव एंड कन्वेक्स मिरर में, देयर आर सम रूल्स. यहां पर आपको एटलीस्ट थ्री रूल्स फॉलो करने हैं. तो अभी जो मैं बताने वाला हूं ये है आपका रूल्स फॉर बोथ द कन्वेक्स मिरर एंड द कंकेव मिरर. मिरर है इसका मतलब एक साइड जरूर पॉलिश होगा या और दूसरा साइड जो होगा वो रिफ्लेक्टेड सर्फेस होगा, जहां से कोई भी लाइट इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होता है. इमेज कैसे बनता है आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि इमेज आर फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, नॉट द इंसिडेंट रे. इट इज अबाउट द रिफ्लेक्टेड रे. तो व्हेन वी आर स्टार्टिंग, तो अभी रूल्स देखो. सबसे पहला रूल्स क्या है, पहला रूल्स कंकेव से स्टार्ट करते हैं फिर कन्वेक्स में चलते हैं. तो बच्चों देखो कंकेव मिरर इस तरह बनता है, जहां पर बाहर की तरफ आउटर सर्फेस की तरफ पॉलिश किया जाता है, यानी इनर सर्फेस जो होगा घुमाने पे जहां सेंटर बन जाए, इस जगह पे सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये वाला साइड आपका रिफ्लेक्टेड होना चाहिए. मतलब इस जगह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो ये अपना चेहरा इसमें देख सकता है, इधर पे खड़े होने वाले लोग अपना चेहरा नहीं देख सकते. सिंपल सी बात है. तो आप क्या करते हैं, आपको मालूम है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस. रूल्स ये है कि कोई भी मिरर बनेगा उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ सम रिकमेंडेशंस. ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान देना. आप ऐसा नहीं कि ये कंकेव मिरर सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये भी तो कंकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट को यहां खड़ा करें. नो, दिस रूल्स इज वायलेटेड. ये रूल्स का यूज नहीं किया जाता, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को राइट साइड नहीं रख सकते, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड रखना है. तो ऐसे मान लो कि ये रूल्स है. ओके, जैसे जैसे आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आप और अच्छे से पढ़ेंगे. तो अभी चलते हैं आगे की तरफ. अब देखो यहां पर क्या होता है बच्चों, आपने ऑब्जेक्ट्स को, अब इसका रूल पहले समझो कि रूल क्या है, क्योंकि हम रूल्स की बात कर रहे हैं. रूल्स ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, इफ रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन, मतलब ये लाइन को कहीं भी ले जाए, यहां से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई कहीं भी ले जाए, ये और ये लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगे. सो द अबव लाइन इट इज अ इंसिडेंट रे और ये लाइन तो आपको मालूम ही है प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये जो इंसिडेंट रे है, जो मिरर पे लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे मतलब वो रे विच इज कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, वो रे जो मिरर की तरफ आता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं. तो आफ्टर आफ्टर हिटिंग द रिफ्लेक्टेड पार्ट, ये जिस जगह से जाएगा, मान लो ये यहां से गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस जगह से वो गया उस पॉइंट का नाम है फोकस. ठीक
क्लियर है। अब देखो बच्चों यहां क्या होता, अब समझो यहां से, ये जो इंसिडेंट रे गया मिरर के पास, आपका रिफ्लेक्शन यहां पर आया, तो जिस पॉइंट में यह काटता है उसको हम फोकस कहते हैं। जरा कन्वेक्स में इस रूल्स को देखते हैं। कन्वेक्स बनाते समय आपको रूल्स मालूम ही है कि हमेशा आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा, मतलब इधर रहेगा, ठीक है। अब अगर मान लो यही रूल्स हम इस पे लगाते हैं, तो देखो इसका अगर सर्कल बनाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां, फोकस यहां कुछ इस तरह होना चाहिए, ठीक है, इधर नहीं हो सकता। तो अब क्या करते हैं, अगर कोई रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है, इंसिडेंट रे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सर्फेस इधर है, ऑब्जेक्ट इधर पड़ रहा है, इन्फिनिटीज की तरफ से आया, तो देखो जो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है, ठीक है, यहां पर तो कुछ नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है ऐसा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां गया, एक्चुअली ये जो होता है ये इस तरफ चला जाता है ऊपर की तरफ। क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए कि अगर आप अपनी आंखों को यहां पर लगाते हैं, आप अपनी आंखों से इस रे को देखते हैं, तो ऐसा आपको लगेगा कि ये रेस पीछे की तरफ ये फोकस वाले पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, कनकेव मिरर में जो रे इंसिडेंट होता है वो एक्चुअल रिफ्लेक्ट होता है और उसके बाद हमें लगता है कि हाँ ये यहां पर कोई इमेज बन सकता है। मगर जब हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो ये जो डॉटेड लाइन है बच्चों, जहां भी डॉटेड लाइन दिखे आप समझ लेना इट इज अ टाइप ऑफ अपेरेंट, देखने में ऐसा लगता है मगर सच में ऐसा नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत दूर में आप खड़े रहते हैं तो कोई बिल्डिंग या कोई टावर लगता है कि आसमान को छू रहा है, क्या वो सच में छू रहा है, नहीं, मगर देखने में ऐसा लगता है कि दैट इज टचिंग द स्काई, ओके। तो देखने में मतलब अपेरेंट, और सही में एक्चुअली जो होगा दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल। तो यहां दो टर्म्स हम यूज करेंगे, एक्चुअल एंड अपेरेंट, जहां पर डॉटेड लाइन हो समझ लेना वहां पर अपेरेंट हो रहा है। तो आप देख लो कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ऊपर की तरफ एक्चुअली जाता है, मगर कुछ इस तरह जाता है कि अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, बढ़ाएं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस जगह पे काट रहा है इट इज अ फोकस। मतलब रूल्स वही है कि इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल, इज इंसिडेंट टू ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव्स और अपीयर टू मूव्स, इट विल कट टूवर्ड्स फोकस और इट अपियर्स टू कट ऑन फोकस। ये देखने में लगेगा और ये सही में काटेगा, दोनों में अंतर समझ में आया, फाइन। अब देखो क्या कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे, इट का मतलब कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे, यहां पर भी कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे, बच्चों याद रखना क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में रिफ्लेक्टेड रे का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंसिडेंट रे का कम, इंसिडेंट रे का होना जरूरी है ताकि रिफ्लेक्शन हो सके, इसीलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव टू दिस। ओके, सेकेंड रूल में आते हैं। सेकेंड रूल क्या है बच्चों, पहले कनकेव से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब कनकेव में देखो मैंने बना दिया इस तरह का, ओके, अब यहां पर, अब ये सेकेंड रूल जो मैं लिख रहा हूं ये जस्ट इसका उल्टा, उल्टा कहने का मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाता है, देखो एरो मार्क, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ओके। रूल्स में यही लिखना है इफ इंसिडेंट रे इज मूविंग टुवर्ड्स द फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा था तो काटने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से हो गया, तो जब फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां जाएगा, इसी यही तो रूल है। तो देखते हैं यहां का रूल क्या चलता है। तो फिर से मैं बनाता हूं, यहां पर ये रहा मेरा कन्वेक्स मिरर हो गया, इस जगह पे मेरा रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब मेरा रूल क्या है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस ही नहीं रहेगा। अब आपको क्या लग रहा है, अब देखो यही चीज, अब यहां से कोई रे आया लेकिन ये रे देखने में कैसा लगेगा, ये रे जो आ रहा है देखने में कैसा लगेगा कि ये फोकस की तरफ आ रहा है, तो यहां ये आगे नहीं जाएगा, ये यहां से टकराकर वापस अपने फोकस में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। मगर देखने में ये कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस है, यानी अगर आप अपनी आंखों को यहां रखते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो रे है इंसिडेंट रे है इट इज कमिंग टुवर्ड्स द फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया सेकंड रो। थर्ड में आते हैं बच्चों, वेरी इजी। थर्ड में यहां बात करते हैं सबसे पहले कनकेव मिरर का, उसके बाद बात करते हैं कन्वेक्स का। तो देखो फिर से बना दिया मैंने ये वर्ण कंकेव, यहां पर ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों थर्ड रूल बहुत सिंपल कि इफ इंसिडेंट रे इज कमिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव इन द सेम पाथ। मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा
तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से जाएगा, कोई रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। देखो तो जैसे यहां दो लाइन दिया वैसे यहां सिंपली आया, उसी लाइन में चला गया। जैसे कैरम खेलते हैं ना, एक बार मारते हैं और उसी लाइन में आता है, बस वही रूल है इस जगह पे। याद रखना बच्चों, जब भी रे डायग्राम बनाओ एरो मार्क जरूरी है। देखो यहां छूट गया एरो मार्क जरूरी है, कहां आ रहा है कहां जा रहा है, अदरवाइज टीचर्स आपके नंबर्स काटेंगे। ओके, बात करते हैं यहां पर कन्वेक्स मिरर में। देखो ये रहा कन्वेक्स मिरर, ये रहा ये, अब थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां करते हैं, मतलब रे ऑफ लाइट कुछ ऐसा आएगा कि लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, लगेगा अपीयर टू बी, देखने में ऐसा लग रहा है मगर एक्चुअल नहीं है देखने में। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां टकराने के बाद वापस उसी रास्ते में, देख लो ये रूल। अब बच्चों ये तीन रूल इतना सिंपल है कि अगर ये तीन रूल्स आपको याद हो गए तो आप बहुत आसानी से रे डायग्राम्स को फ्रेम कर सकते हो, और अपनी मर्जी से अपने कंट्रोल से एक भी रे डायग्राम आपका छूटेगा नहीं। ये है कनकेव का और ये है कन्वेक्स का, इजी। बाकी के लैंग्वेज आपको मालूम है कि आप अपने बुक से नोट कर सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये है, इतना ही रूल्स है। कन्वेक्स में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, आपको वैसे भी मालूम है कि ये सारे रूल्स क्या क्या है, एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए ढककर, या फिर आप बिना वीडियोस को देखे हुए ये बोल सकते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो टकराने के बाद फोकस से जाएगा, यहां पर एक्चुअल होगा यहां पर अपेरेंट होगा, करके मिरर में एक्चुअल और यहां पर अपेरेंट, ठीक है। और दूसरा रूल्स क्या है कि अगर कोई फोकस से जाएगा, फोकस से अगर कोई जाता है, देखो एरो मार्क चेंज हो गया, यहां एरो मार्क इधर था, यहां एरो मार्क ऊपर की तरफ है, अगर कोई फोकस से जाता है तो आपका रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड रूल क्या था, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जाता है तो वापस उसी पाथ में आता है, यही रूल। यहां डॉटेड लाइन का मतलब जहां भी डॉटेड लाइन दिखे बच्चों समझ लेना है कि वो अपेरेंट है, देखने में ऐसा लग रहा है मगर सच में ऐसा नहीं है। अगर आपको याद होगा तो प्लेन मिरर का जो मैंने इमेज बनाया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हाउ द अपेरेंट इमेज इज फॉर्म, जहां भी आपका डॉटेड लाइन होगा समझ लो वहां वर्चुअल इमेज बन गया, जहां भी डॉटेड लाइन का हिसाब किताब हुआ समझ लो वहां वर्चुअल इमेज अपीयर हुआ है, देखने में ऐसा लगा मगर सच में नहीं है। वर्चुअल का मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे वर्चुअल का मतलब नहीं जानते, वर्चुअल मतलब झूठ मूठ का, सच का नहीं, ओके ऐसे समझना है, लेवल्स लैंग्वेज है। लेकिन आपको मालूम है वर्चुअल इमेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, वो इमेज दैट कैन नॉट बी, दैट इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज अ वर्चुअल इमेज, और रियल इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इट इज नोन एज अ रियल इमेज। आप जब क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे बच्चों लाइट चैप्टर का जो मैंने थर्ड पार्ट में दिया था, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस बताया था, आज उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत इजी लैंग्वेज में। जल्दी से इसको नोट कीजिए और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और रे डायग्राम को समझा सकूं, बी फास्ट। तो नोट हो गया सबका, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीन रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि हाउ द इमेजेस आर फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर, ओके मिटा दें, फाइन, वेरी इजी। चलो उस इमेज को समझने के लिए कि हाउ द इमेजेस आर फॉर्म बाय द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, थोड़ा सा आपका मैं टेस्ट ले लू और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर मैं जान रहा हूं या नहीं जान रहा हूं। सो रे डायग्राम बाय द कनकेव मिरर, बच्चों मैं देख रहा हूं कि आपके कमेंट से पता चल रहा है कि आपको बहुत सारे वीडियोस चाहिए, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करके बोलते हैं, मगर फिर भी मुझे मालूम है कि डिफरेंट स्कूल्स के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मगर ये वीडियोस मैं स्पेशली अपने स्कूल्स के बच्चों के लिए बना रहा हूं ताकि वो अच्छे से समझ कर काम कर सके, ठीक है। और आपके पास बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं ऐसा मत समझिए कि आपके लिए भी नहीं है, नॉलेज कहीं से भी मिले, जो भी वीडियोस आपको अच्छे लगते हो उन वीडियोस को चेक करिए, देखिए समझिए और नोट करिए, ठीक है। चलिए रे डायग्राम बाय द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का रे डायग्राम कैसे बनेगा, हाउ द रे डायग्राम बाय द कनकेव मिरर, और मैं ये कह सकता हूं इमेजेस फॉर्म बाय, कैसे इमेज मतलब जो चेहरा नजर आ रहा है, इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव मिरर, एक्चुअल एग्जैक्ट टॉपिक्स आज का ये है, ठीक है, कनकेव मिरर, उसके बाद हम लोग कन्वेक्स मिरर में बात करते हैं। तो बच्चों इसको समझने से पहले आप पहले कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन सिर्फ यही है, मैंने एक लाइन बना दिया, ठीक है, यहां पर मैंने बोला ए पॉइंट, इस जगह पे बोला बी पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, पोजीशन है, पोजीशन मतलब जगह। जैसे मान लो कि अगर आप ये को ये बोला जाए कि आप मार्केट गए और आपकी मम्मी ने रास्ते में फोन किया कि आप कहां हो, आपने फोन में बताया कि मैं कहीं पर हूं, मैं इस पेड़ के पास खड़ा हूं, मम्मी ने कहा पेड़ समझ में नहीं आ रहा कौन से पेड़ के पास हो, फिर आपने फोन किया कि मम्मी ने बोला अभी बताओ कहां पर हो सही जगह पर, तो फिर आपने क्या कहा, मम्मी मैं पेड़ पे ये जो रामू अंकल की दुकान है ना इसके पेड़ के पास हूं, तो मम्मी को एग्जैक्ट पता चल गया कि ओके हाँ आप क्या लोकेशन क्या है, मतलब पोजीशन क्या है,
आप ऑब्जेक्ट और आप जिस जगह पर थे वो आपका पोजीशन। तो बच्चों ये जो ए और बी है ये समझ लो पोजीशन है। तो आप मुझे बताओ कि इस ए और बी में कितने सारे पोजीशंस बन गए। लास्ट आपको बी तक ही जाना, सॉरी एक काम करते हैं सी तक कर देते हैं, ठीक है। लास्ट आपको सी तक, मतलब सी पोजीशन फिक्स्ड है, यहां से आगे नहीं जाना है। तो आपके पास कितने पोजीशंस हुए, कौन कौन से पोजीशंस हुए, ये अगर मालूम चल गया तो आप आसानी से काम कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोजीशंस हुआ बच्चों, देखो ध्यान देना, कमेंट करो पहले। पहला आप सबसे पहले बोलेंगे पोजीशन ए, वेरी गुड। आप दूसरा बोलेंगे पोजीशन बी, वेरी गुड। और चलो तो ये दो पोजीशन तो कंफर्म है कि पोजीशन ए हो सकता है, पोजीशन बी हो सकता है, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे पोजीशन इस जगह पर रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोजीशन से। पहला पोजीशन बच्चों ऐसा हो सकता है कि आप ए के पास ए के पहले यहां पे खड़े हो, है ना। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं बियॉन्ड ए, बियॉन्ड ए, ए के इधर, क्योंकि सी मेरा लास्ट पॉइंट है, तो यहां से बोलेंगे बियॉन्ड ए, मतलब ए के पीछे। ओके, दूसरा पोजीशन पोजीशन ए, पहला पोजीशन ये ए के पीछे, फिर हो गया एट ए, मतलब आप यहां खड़े हैं। फिर थर्ड पोजीशन बच्चों, पोजीशन बी नहीं, ए और बी के बीच में, थर्ड पोजीशन बिटवीन, बिटवीन ए एंड बी। अच्छा यहां पर भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, कुछ लोगों को ये मानना है कि बिटवीन कहने का मतलब है एकदम बीच में, नहीं। बिटवीन कहने का मतलब यहां 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 यहां, कहीं भी आप हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ए से बी के बीच में कहीं भी हो सकते हैं, मतलब कहीं भी होंगे तो भी आपका जहां पर जो इमेज बनेगा वो वैसा बनेगा, ठीक है। बिटवीन का मतलब समझ में आया। ये सब कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो सभी लोग नहीं बताते और सभी वीडियोस में ये पता नहीं चलता। ओके, आगे बढ़ते हैं फोर्थ में। ये है बी, नेक्स्ट पोजीशन ए और बी के बीच में कहीं भी होगा, फिर कहां जाएगा, बी पे जाएगा, मतलब पोजीशन बी, और तो कोई पोजीशन बचा नहीं। ओके, फिर कहां गया, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में मतलब यहां 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 कहीं भी हो सकता है। सो क्या लिखे हम लोग, बिटवीन बी एंड सी। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, पोजीशन समझ में आई। बस ये पोजीशन आपको याद रखना है कन्केव मिरर के सेंस में बात करेंगे हम लोग। अभी आप इस पोजीशंस को अपने नॉलेज में रख लीजिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूं कन्केव मिरर। एक पोजीशन के बारे में और बात करूंगा जो आपके किताब में नहीं दिया हुआ है, और उसके बारे में हम क्या सोचते हैं और कैसे हम लिख सकते हैं। बच्चों बियॉन्ड ए मतलब ए के जस्ट पहले, और एक पोजीशन होता है इससे पहले भी, मतलब मैं स्टार मार्क देकर लिखता हूं, ठीक है, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब बच्चों, इन्फिनिटी का मतलब लोग ऐसा समझते हैं, क्या समझते हैं, इन्फिनिटी कमेंट करो, इन्फिनिटी का मीनिंग आप क्या समझते हो। इन्फिनिटी मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, कुछ ज्यादा ही दूर, है ना। तो कितना दूर, लेकिन मुझे पोजीशन तो चाहिए, क्या पता इन्फिनिटी पे कोई अगर ऑब्जेक्ट में रख दूं तो उसका इमेज कहां बनेगा। तो बच्चों आपके लिए मैंने इन्फिनिटी सेट करके रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, या तो सन, या तो मून, या तो स्टार्स, मतलब ये सब जगह बहुत ज्यादा इन्फिनिटी पे हो सकता है, ठीक है। और आप उस जगह पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो उसको बियॉन्ड ए नहीं बोलना है, वो बहुत दूर है। बियॉन्ड ए मतलब ना इन्फिनिटी पर है और ए पे ना रहे, उसके बीच का कोई भी पोजीशन होगा तो आप उसको बिटवीन बी इन्फिनिटी एंड ए पोजीशन बोल सकते हो। मतलब ए के पहले भी एक पोजीशन है जिसको हम इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी ऐसे करके लिखा हुआ कहीं कहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे हो गया पहला पोजीशन, फिर हो गया बियॉन्ड ए, याद रखना ए पे स्टार्टिंग नहीं, ए से पहले दो पोजीशन है, ए से पहले दो पोजीशन, बियॉन्ड ए एंड एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम लोग लाइन से चलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे बनता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका और मैं आगे बढ़ता हूं। हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, मिटा दें, समझ में आ रहा है सबको, कमेंट जरूर करिए ताकि आप मुझे पता चले कि आप समझ पा रहे हैं। ओके चलिए मिटाते हैं। तो बच्चों अब आते हैं कॉनकेव मिरर में, है ना। ये तो हो गया नॉर्मल पोजीशन आपको समझाने के लिए, लेकिन आप बात करेंगे कॉनकेव मिरर में किसका इमेज कैसे बनेगा। तो फर्स्ट पोजीशन में लिखता हूं, फर्स्ट पोजीशन देखो ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर। बताओ तो पहला पोजीशन क्या था, क्या था पहला पोजीशन, किसका पोजीशन। यहां पर बच्चों क्या बोला है, इमेजेस फॉर्म। अच्छा इमेज किसका बनता है, जैसे आप सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए या कभी मार्केट घूमने के लिए या कहीं शॉपिंग में जाते हो तो सामने खड़े रहते हो, किसके, आईने के सामने। तो आप खुद हो गए ऑब्जेक्ट और आपका जो फिगर आ रहा है शीशे के अंदर वो हो गया आपका इमेज। तो बच्चों यहां पर इमेज फॉर्म, कैसे इमेज बनता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर, जाहिर बात है इमेज बनाना है तो मुझे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अभी मैंने मान लिया फर्स्ट में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन मतलब जगह,
मम्मी ने पूछा फोन करके, ऑब्जेक्ट तुम कहाँ हो? तो ऑब्जेक्ट ने क्या कहा, मम्मी मैं हूं इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे मतलब सन पे, मून पे या स्टार पे, कहीं होगा, ठीक है। ओके, अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब बहुत दूर, अब उसका उतना दूर मैं जा नहीं सकता, मेरा लाइन नहीं जा सकता, लेकिन वहां से जो लाइट आ रहा है, उसके पास से जो लाइट आ रहा है, बात कर रहे हैं कंकेव मिरर का, तो वहां से जो लाइट आएगा वो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, तो टकराने के बाद वो जिस जगह से जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फोकस। अच्छा, अगर मान लो यहां से भी कोई लाइट आ रहा है इन्फिनिटी से, तो वो जाएगा कहां पर, फोकस, बस यही ध्यान देना। अब देखो बच्चे एक खास बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो बच्चे ये जानते हैं कि हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड, इमेज कैसे बनते हैं, तो वो ये वीडियोस देखते हैं, अगर वो नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा सेकंड पार्ट है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में, उसको आप देख लें और तब आपको समझ में आए। बच्चों इमेज तब बनता है जब रिफ्लेक्टेड रे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो देखो तुम, ये था मेरा इंसिडेंट रे, इधर गया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड, तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों रे कहां काट रहे हैं, फोकस में काट रहे हैं। तो बच्चों जहां काटे, जहां पर इंटरसेक्ट हो, कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे, टकराने के बाद जो लौट रहा है वो वाला रे जहां काटता है उस जगह पर आपका इमेज बनता है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया बताओ, अब ऑब्जेक्ट देखना, ऑब्जेक्ट कहां पे, मम्मी ने फोन किया तो क्या बोला, इन्फिनिटी पे, लेकिन अब इमेज को फोन किया, मम्मी ने इमेज को फोन किया, इमेज तुम कहां बने, ऑब्जेक्ट तो है इन्फिनिटी पे, तो तुम्हारा इमेज कहां बना, एट फोकस पे, एट फोकस, ठीक है। ओके, पोजीशन के बाद बच्चों लिखते हैं इसका साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ, साइज कैसा था, देखो छोटा साइज, स्मॉल साइज, पॉइंट साइज, तो इसको हम लिखते हैं पॉइंट साइज, मतलब एकदम बिंदु जैसा, पॉइंट साइज। आपने कभी कभी देखा भी होगा, अगर आप ऐसा महसूस नहीं कर सकते, एक शीशा ले लो जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, या पापा जिससे शेविंग करते हैं, और उसके रात के समय थोड़ा उसमें चांद वांद देख लो, है ना, और चांद जब देखोगे तो आपको उसमें चांद नजर आएगा गोल सा। अच्छा एक बात बताओ, चांद उतना ही छोटा होता है क्या सच का चांद उतना ही छोटा होता है, कमेंट करो। इसका मतलब चांद आपके हाथ के शीशे पे ही आ गया है ना, उसका इमेज इतना छोटा तो नहीं होता, मतलब चांद का साइज जितना बड़ा है उसके हिसाब से बहुत पॉइंट साइज है। ये जो साइज की बात हम कर रहे हैं बच्चों, ये एग्जैक्टली हम ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर कर रहे हैं, यानी चांद इतना बड़ा, बहुत बड़ा है ना, और उसका इमेज का साइज इतना छोटा जब बहुत इंफिनिटी पर है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ओके, साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। बच्चों नेचर समझने के लिए हमें थोड़ा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, लेकिन आप अभी ऐसे समझ लो, नेचर है इसका रियल इमेज। देखो बच्चों रियल का मतलब क्या, कहीं डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, सिंपल, जहां डॉटेड लाइन नहीं दिखे रियल इमेज, और जो रियल होगा वो हमेशा उल्टा होगा। याद करो क्लासिक्स में जब आप पिन होल कैमरा पढ़ते थे, पिन होल कैमरा क्या पढ़ते थे, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनता है इमेज, है ना, एक आदमी सीधा खड़ा था, उसका चेहरा नीचे और पैर ऊपर, है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर ऑफ इमेज ही बना। इजी, पहले के बाद जो दूसरा पोजीशन है, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट कहां था बच्चों, इन्फिनिटी पे, तो याद रखना इन्फिनिटी पर रहेगा तो फोकस। सिर्फ ये दो पॉइंट याद रखो, ये फर्स्ट वाला क्योंकि आपके बुक में है नहीं, और सेकंड वाला जो मैं अभी लिखा, यहां से आपका फर्स्ट वाला शुरू है जो मैं सेकंड पॉइंट बताने वाला हूं। अगर ये दो पॉइंट्स आपको याद है तो उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं कि बाकी के डायग्राम्स आप खुद से नहीं बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। देखते हैं, अब बताओ बच्चों, अब इन्फिनिटी था पोजीशन, अब इन्फिनिटी के बाद ऑब्जेक्ट कहां आ सकता है, तो चेक करते हैं कहां आ सकता है। अब देखो इस जगह पर ये रहा मेरा कंकेव मिरर, ये रहा। अच्छा बताओ बच्चों इसमें कौन कौन सी, इसमें कौन कौन से पोजीशन रहते हैं, या जैसे मैंने एबीसीडी लिखा था, इस जगह पे क्या क्या रहते हैं, या तो पोल रहता है, या तो फोकस रहता है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, और तो कुछ नहीं रहता ना, इन्फिनिटी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अभी इन्फिनिटी पे था उस, इसमें अब इन्फिनिटी थोड़ा सामने लाए, तो सामने लाएंगे तो क्या लिखेंगे, सी के ऊपर नहीं, सी से पहले कौन सा पोजिशन, बियॉन्ड सी, याद करो ए था वहां पर तुम क्या लिखते थे, बियॉन्ड ए, अब क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी, मतलब मम्मी ने फोन किया कि ऑब्जेक्ट तुम कहां हो, तो आंसर क्या निकला, मम्मी मैं बियॉन्ड सी हूं, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, तो लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया सी के पीछे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है, तुम कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी।
यहां पर मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्योंकि बहुत दूर था इसलिए छोड़ दिया, लेकिन सी के पीछे है तो दिखा दिया मैंने कहीं भी है। अब बच्चों आप कैसे बनाए इमेज, इसको फोकस को मिटाते हैं, ये मैं आपको बताने के लिए गया था। फोकस यहां नहीं होता, फोकस जिस जगह से वो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे उस जगह पे फोकस बनेगा, याद रखना। तो बच्चों देखो मैं यहां पर अपना स्केच का यूज करके बना रहा हूं, आप प्लीज अपने जब स्कूल्स की कॉपी में या फिर आप अपने एग्जाम में बनाएंगे प्लीज यूज द स्केल ताकि आपका थोड़ा सीधा सीधा बने। हाँ और कुछ याद रखना है इस पॉइंट। तो देखो सी के पीछे है, अब देखो इसके सिर के ऊपर से मैंने एक रे को इंसिडेंट रे को ऐसे पास किया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये तो इंसिडेंट रे है, क्या इससे इमेज बनेगा? नो। इसका टकराने के बाद जहां से वो गया उस जगह का नाम है फोकस, ये रूल था पहला रूल है ना। ओके अब बच्चों दूसरा रूल क्या है, देखो कोई ना कोई रूल होगा ही, ये तीन रूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए उस जगह पर ही आपको वही तीन रूल में से किसी रूल का यूज करके कोई भी दो रूल का, क्यों? क्योंकि दो रूल में आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है ये कहां पे टकरा रहा है और तब आप आराम से बना सकते हैं। अच्छा दूसरा रूल मैंने ये कर दिया बच्चों की यहां से एक रे लिया, मैं थोड़ा सीधा कर देता हूं इसको हटा, कुछ नहीं करना, देखो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, वहां से लो और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए यहां पर आए। अब आप मुझे बताओ बच्चों अगर रूल थर्ड रूल क्या था, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है इंसिडेंट रे देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगा? उसी रास्ते में जाएगा, मतलब ऐसा एरो मार्क जरूर दिखा। अब ध्यान से देखो बच्चों ये जो रिफ्लेक्टेड रे था और यहां भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रे देखो यहां काट रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही तो आपका फॉर्मूला है कि जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे काटेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मुझे नाम फिगर में दो ही मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको बता चले, उसी जगह पर इमेज बनता है। और इमेज बनाने के लिए आपको हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस को पकड़ के रखना है, मतलब ये इस तरह खड़ा है ये इधर खड़ा होगा और इसका एरो मार्क देखो बच्चों नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, ठीक है नीचे की तरफ, मतलब यहां पर सीधा उल्टा बन गया, क्यों? क्या कोई डॉटेड लाइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब रियल एंड इनवर्टेड, ये ट्रिक्स दे रहा हूं आपको, जहां डॉटेड लाइन नहीं दिखे तुरंत आंख बंद करके रियल एंड इनवर्टेड। चलो देखते हैं, अब ऑब्जेक्ट था मेरा बियॉन्ड सी, अब मम्मी ने सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मम्मी ने बोला ठीक है तुम सी करो, तुम्हारा इमेज कहां बन रहा है? पोजिशन ऑफ इमेज, तो इमेज कहां बोलेगा बताओ, तो अब इमेज का पोजिशन बताओ, हाँ एफ और सी के बीच में, देखो तुम पोजिशन तो ऐसे ही सीखे थे ना हम लोग, ए बी सी डी वाला में ए और बी के बीच वाला बिटवीन कहीं भी बन सकता है, तो क्या लिखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ, इजी, सी और एफ के बीच में। अच्छा इमेज कैसा है? साइज मतलब जब भी साइज की बात हो बच्चों साइज कैसा होना चाहिए, साइज का कंपेयर किससे? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था इसका साइज थोड़ा छोटा होगी तो स्मॉल साइज तो ज्यादा ही छोटा होता है और डिमिनिश्ड भी बोलते हैं उसको, स्मॉल साइज और डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश्ड मतलब भी छोटा हो सकता है साइज छोटा। अच्छा नेचर कैसा बच्चों, ये नेचर कैसा है इसका, नेचर ऑफ इमेज, देखो तीन बातें इमेज की और एक बात है ऑब्जेक्ट की, मम्मी ने फोन किया ऑब्जेक्ट के बारे में और उसी से अंदाजा लगा ले कि उसका इमेज का क्या हिसाब किताब है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर कैसा बच्चों? रियल, जब भी कैसे पता चलेगा नेचर? कहीं भी डॉटेड लाइन अगर दिखाई ना दे आंख बंद करके क्या लिख देंगे? रियल इमेज। एंड रियल जो होता है बच्चों वही क्या होता है? इनवर्टेड, इनवर्टेड का मतलब उल्टा, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा था आपका जो इमेज है वो ऐसा बन गया, इसको उल्टा बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। रियल का मतलब कहीं भी डॉटेड लाइन नहीं होना चाहिए, एकदम एक्चुअल इंटरसेक्शन होना चाहिए एंड दैट इज अ रियल इमेज। कितनों को ये दो बातें समझ में आ गई? कमेंट करिए, आप अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं ताकि आप ये बातें समझ पा रहे हैं। ओके चलिए ये दो पॉइंट आपको मान लो, अब आप अपना ध्यान देते रहना, पहले इंफिनिटी पे था फिर सी के पीछे आया ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा है, ये उसका घर है, घर की तरफ बढ़ रहा है, अब कहां आएगा बताओ? हैट सी, अब सी के ऊपर आएगा, फिर कहां जाएगा बच्चों? सी और एफ के बीच में कहीं भी आएगा, फिर कहां आएगा बच्चों? एफ पे आएगा, फिर कहां आएगा? पी और एफ के बीच में, लास्ट में पी पे नहीं आता है, सिर्फ पी और एफ के बीच में लास्ट आता है। इसी आपको पता चल गया होगा कि नेक्स्ट और कितने इमेज बनेंगे बताओ, तो अगर मैंने आपको बता दिया ये दो के बाद और कितने डायग्राम बनेंगे इसके, बियॉन्ड सी हो गया, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ और बिटवीन पी एंड एफ, पोजिशन सिर्फ याद रखो आप, पहले मैंने सिर्फ पहला पार्ट बताया, बाकी सारी बातें आपको अपने आप निकल जाएंगी।
समझ में आ रहा है सबको, इजी लग रहा है ये सारे क्वेश्चंस? ओके, जल्दी से नोट करो उसको, वी आर मूविंग टू द थर्ड वन, जल्दी से नोट करो। चलिए अब मैं मिटाता हूं और थर्ड पोजीशंस को बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों एक खास बात, जब भी आपको ये फिगर्स बनाना हो ना, कोई भी रेडाग्राम बनाना हो बच्चों, ये चार पॉइंट जरूर लिखना अपने से सोच के। अगर आप ये करते हो तो आपका पूरा का पूरा रेडाग्राम क्लास 10 तक की तैयारी हो जाएगी 7 में ही। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है सबको? फाइन, बहुत बढ़िया। तो चलिए आप करते हैं हम लोग नेक्स्ट वन, दैट इज अब बताओ ऑब्जेक्ट का। मैं यहां जगह छोड़ देता हूं, इसको मिटा देता हूं सिर्फ, और यहां पर इस डायग्राम को मिटा देता हूं। चलो अब बताओ सेकेंड के बाद कहां जाएगा ऑब्जेक्ट? ये रहा कनकेव मिरर, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो अब बताओ बच्चों बियॉन्ड सी का अब कहां आ जाएगा? सी के ऊपर आ जाएगा, हो गया सब कुछ। सी के ऊपर रहेगा तो पहला लाइन जो गया वो कहां से पास होता है? फोकस से पास होता है। अच्छा दूसरा रूल क्या करेंगे? तीन ही रूल था ना, या तो लाइन पैरेलल जाए तो फोकस से जाएगा, या तो फोकस से जाएगा तो फिर यहां आएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा तो सेंटर ऑफ। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो खुद ही खड़ा है, तो क्या दूसरा रूल यूज करेंगे? मतलब अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से होके जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस जगह पर कटेगा। देखो तो ये रे यहां कटा और ये रे कहां, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे कटते हैं उसी जगह पर आपका इमेज बनता है, जहां पर भी आपके दो रेस कटे। आप सीधा बनाएंगे बच्चों, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज इसका बनता है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट भी ऊपर, मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे दे रहा हूं ए बी, इसका एरो मार्क नीचे है ए डैश और इसका बी डैश। अब मम्मी ने पूछा फोन करके ऑब्जेक्ट कहां हो? ऑब्जेक्ट क्या बोला? मम्मी मैं हूं एट सी पे। अच्छा तुम सी पे हो, तो मम्मी को पता लगा अच्छा जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो उसका इमेज भी सी पे ही है, मतलब इमेज का पोजीशन भी कहां है? एट सी। अच्छा उसका साइज कैसा है? जब दोनों साथ साथ हैं तो साइज बराबर रहेगा। साइज कैसा? सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों यही क्वेश्चन आता है हमेशा कि राइट डाउन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर द साइज ऑफ इमेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। वो पोजीशन कौन सा है ऑब्जेक्ट का जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट या साइज दोनों बराबर रहता है? तो आप क्या लिखेंगे? एट सी। पोजिशन ऑब्जेक्ट कहां है? नेचर कैसा बच्चों? नेचर मालूम है, कहीं भी डॉटेड लाइन तो दिख नहीं रहा, मतलब आप क्या आप लाइन थोड़ा ठीक से खींचेंगे। क्या लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज कैसा है मेरा? रियल एंड इन्वर्टेड। इजी लग रहा है बच्चों, इजी लग रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये वाला क्वेश्चन है सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज का जो हाइट इमेज का जो साइज होता है वो कब बराबर होता है ऑब्जेक्ट के? तो आप क्या बोलेंगे? जब ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तब उसका साइज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। क्लियर है? ओके फाइन। चलिए अब मूव करते हैं आगे। अब बताओ बच्चों अब सी पे आ गया, अब सी के बाद कहां जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। चलो चेक करते हैं सी और एफ के बीच में, मिटा देते हैं इसको, ये वाला मैंने मिटा दिया लो। चलिए तो सी और एफ के बीच में बनाते हैं। ये रहा मेरा कनकेव मिरर, यहां से मैंने पॉलिश कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मान लिया मैंने सी यहां और एफ यहां। बनाते समय इस बात का ध्यान देना बच्चों कि ये पोल और फोकस के बीच में जितना दूरी है उतना ही दूरी आपका सी और एफ के बीच में रहना चाहिए। तो आप क्या करते हैं? सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं। अच्छा बीच का मतलब, बिटवीन का मतलब, बिटवीन का मतलब एकदम बीच में नहीं, कहीं भी सी और एफ के लाइन के कहीं भी बीच में। देखिए मैं आपको यहां दिखा रहा हूं ताकि आपको और आइडिया क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं, अब लाइन इधर से गया इंसिडेंट पे पैरा रूल, तो कहां से पार हो रहा है? फोकस से पार हो रहा है। देखो यहां पर, अब देखो फिर क्या दूसरा रूल, फोकस से अगर जाएगा, फोकस से अगर जा रहा है तो आपका कहां पर बनेगा? देखो तो पीछे की तरफ मोड़ते हैं, इस जगह पे बना, इस जगह पे, ये बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अब देखो बच्चों जो सेकेंड रूल था हमारा, याद करो जब ऑब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जब मेरा सी के पीछे था इन्फिनिटी के बाद, तो इमेज मेरा एफ और सी के बीच में बनता था। अब एफ और सी के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट है तो इमेज सी के पीछे, मतलब जस्ट उसका उल्टा, सेकंड वाला रूल, सेकंड वाला जो इमेज डायग्राम था जो जिसको मैंने मिटाया अभी, उसी का जस्ट उल्टा बन गया है। तो क्या लिखेंगे? मम्मी ने फोन किया, ऑब्जेक्ट कहां? ऑब्जेक्ट क्या बोला? मम्मी मैं हूं बिटवीन, बोलो बोलो बोलो, कमेंट करो, बिटवीन एफ एंड सी। वेरी गुड। अब पोजिशन ऑफ इमेज कहां बना? इमेज कहां बना? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। समझ में आ रहा है बच्चों? इजी लग रहा है, मजा आ रहा है? फाइन। साइज ऑफ इमेज कैसा बच्चों? साइज देखना बच्चों, अब जो साइज है बच्चों,
साइज। अब देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सामने आता है ना मिरर का, एक कंसेप्ट याद रखो, कनकेव मिरर में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सामने आने लगता है वैसे वैसे उसका साइज बड़ा होते जाता है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज कैसा, इमेज का साइज कैसा, या हम क्या बोल सकते हैं, लार्जर किससे, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाइड भी कहीं कहीं किसी किताब में लिखा हुआ, मैग्नीफाइड मतलब थोड़ा अच्छे से दिख रहा है मुझे। ठीक है, ओके। नेचर कैसा, नेचर वैसे ही बच्चों जहां भी डॉटेड लाइन नजर ना आए, एक्चुअल जहां ये रे और ये रे एग्जैक्टली देखने में लग रहा है कट ही रहा है, सच में कट रहा है, मतलब ये क्या हो गया, नेचर ऑफ इमेज कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। डॉटेड लाइन जहां दिखे वहीं पर वर्चुअल इमेज रखना है, अदरवाइज नहीं रखना, सीधा सवाल है। डॉटेड लाइन अगर हम कहीं दिखाते हैं तो वर्चुअल है, अगर डॉटेड लाइन नजर नहीं आएगा इट्स सिंपली रियल एंड इन्वर्टेड। इजी, समझ में आ रहा है सबको, ओके। अब मेरे क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन जरा इसका कमेंट करके बताओ, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन कनकेव मिरर में और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है और कहां पर है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन द कनकेव मिरर एंड ऑन विच पोजिशन। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, मुझे मालूम है कि यहां बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे बड़े टीचर्स, बच्चे, डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स, वो सब देख रहे हैं, तो आप अगर कमेंट करके ये बता सकते हैं तो प्लीज ये जरूर बताइए। और बच्चों को स्कूल्स में भी ये सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना, हाउएवर दिस इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बुक, ये हमारे बुक में प्रेजेंट तो नहीं है मगर फिर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, कमेंट करके बताइए, शर्माइए मत, कमेंट करिए और आंसर दीजिए कि इसका कहां तक आ सकता है। इजी लग रहा है सबको, फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया बच्चों, ऑब्जेक्ट आ गया सी और एफ के बीच में। अब कहां रखना है ऑब्जेक्ट, मम्मी ने फोन किया, ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट ने क्या बोला, मम्मी इस बार मैं कहां जाऊंगा, एफ के ऊपर, मतलब एट एफ के ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, तो चलो बनाते हैं फिर से। ये रहा मेरा कनकेव मिरर, ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा फोकस, मम्मी को बोला, ऑब्जेक्ट ने बोला मैं यहां पर, डरना नहीं है, अपना ध्यान दें। अब फिर से वही पहला रूल यहां फोकस से होके जाएगा। ठीक है, अब याद करो, फोकस पर इमेज कब बनता था, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता था, सूरज चांद ऐसा चक्कर, तो जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा, कमेंट करिए, एकदम इंफिनिटी पे बनेगा, वही सूरज और चांद पे बनेगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये यहां हुआ, अब क्या दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या करते हैं, फोकस पे है तो यहां से गए। ठीक, अब मान लो हम ऐसा करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां से एक लाइट पास करते हैं इधर से, तो अपने पाथ पे लौट के आएगा तो आगे की तरफ बढ़ेगा, ये कहीं मिलता नहीं है, ये इंफिनिटी पे चला जाता है। ठीक है, इंफिनिटी पे बनता है, बस ये रूल याद रखना बच्चों। ठीक है, तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां एट एफ, पोजिशन ऑफ इमेज कहां, इमेज एट इंफिनिटी, बहुत दूर, सन, मून, स्टार्स, ऐसे जगह पे जहां पर नहीं जाएगा, दूर जाएगा। साइज ऑफ इमेज कैसा बच्चों, जो वहां इमेज का साइज होता है बहुत बड़ा होता है, लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने कहा जितना सामने जाएंगे उतना ज्यादा लार्जर होगा, बिगर साइज। ठीक है, एंड नेचर कैसा, कहीं भी क्या डॉटेड लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, जहां डॉटेड लाइन दिखेगा वहीं पर आप लिखेंगे वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सबको, किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, फाइन, नाइस। चलिए अब बच्चों बताओ, फोकस पे हो गया, फोकस के बाद कहां जाएगा, ये पी है, नोट करना है आपको, पी पोल जिसको बोलते हैं, ऐसे लाइन करना जरूरी है, क्यों करना है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों लिंक दे दिए हैं, काइंडली लुक आफ्टर दैट लिंक्स। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस जरूर देखिए और तब इस कंसेप्ट के ऊपर आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वीडियोस न सिर्फ 10 के लिए, न सिर्फ 7 के लिए, 10 के बच्चे भी देख सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत, स्पेशली जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो बच्चे भी इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आते हैं, अब कहां रखना है, फोकस पे है, मम्मी ने फोन किया तो ऑब्जेक्ट क्या बोला, मम्मी मैं फोकस पे हूं, अब मम्मी ने फोन किया, अच्छा नेक्स्ट बताओ, अब कहां,
पोल और फोकस के बीच में। तो चलिए करते हैं। ऑब्जेक्ट याद रखना एक बात है, पोजीशन ऑब्जेक्ट की, बाकी पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर, तीन चीजें इमेज की और एक चीज है ऑब्जेक्ट की। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में एकदम छप जाए लाइट चैप्टर, और एकदम एग्जाम में ना आग लगा देना है। आग, आग मतलब सही में आग नहीं बच्चों, क्वेश्चंस में लगाना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके फाइन, नंबर्स अच्छे लेकर आने। अब आगे करते हैं, ये रहा मेरा कंकेव मिरर, मम्मी ने फोन किया, ये फोकस, ये पोल, और मम्मी ने फोन किया तो बोल दिया मैं पोल और फोकस के बीच में हूं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वाला पोजीशंस याद रखिए बच्चों, लास्ट वाला पोजीशंस। चलिए देखिए क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है लास्ट पोजीशंस? ओके फाइन। अब देखो गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन डरना नहीं है, काटो ले जाओ, ये इंसिडेंट रहता रिफ्लेक्ट रहता, दिख रहा है आपको? थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, ये मेरा एरो मार्क था सामने के इधर का। फाइन, अब तो पता नहीं यहां भी सी था, अब ये देखो सी की तरफ से गया उसी रास्ते में जाएगा। अब बच्चों ये जो लाइन है ना ये कहीं मीट ही नहीं करता, जैसे ये इन्फिनिटी पे मिल जाएगा, ये इन्फिनिटी पे मिल जाएगा तो हम देख नहीं सकते, लेकिन ये जो लाइन है ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इधर मीट ही नहीं करेगा। लेकिन 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 इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ये जब अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं तो बच्चों इस जगह पर ये मीट करता है। नोट करिए, पहले नोट करो उसके बाद बात करते हैं, पहले इसको नोट करो उसके बाद बात करो, इस जगह पर ये मीट करता है, ठीक है? अब देखिए क्या होगा, मतलब इसको बोलते हैं, ये पोजीशंस को बोलते हैं बिहाइंड मिरर। बिहाइंड का मतलब है, बिहाइंड का मतलब नॉर्मली ऐसा मत समझना कि मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, अंदर अंदर, ठीक है? प्ले मिरर में जैसा मैंने बताया था, मिरर के अंदर ना कि मिरर के पीछे, मिरर के अंदर, मिरर के पीछे। फाइन, चलो यहां देखते हैं तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कहां पर था? पी और एफ के बीच में, हम बिटवीन पी एंड एफ, पोलर फोकस के बीच में। तो इमेज कहां बना? बिहाइंड द मिरर, उसी को बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब, अब ये डॉटेड लाइन कैसे पता चला बच्चों? इसका मतलब ये है, ये डॉटेड लाइन कहने का मतलब ये भी डॉटेड लाइन है, मतलब अगर आप अपनी आंखों को यहां रखेंगे, इस जगह पे रखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि इमेज जो है यहां पर बना हुआ है, ये डॉटेड लाइन से अपीयर टू बी, देखने में ऐसा लगता है मगर सच में इंटरसेक्शन नहीं हुआ, बहुत सच में इंटरसेक्शन नहीं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था जो डॉटेड लाइन जहां दिखो मतलब उस जगह पर नेचर, साइज कैसा, साइज पे लिखते हैं लार्जर, किससे लार्जर? जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं मैग्निफाइड, मैग्निफाइड। और नेचर कैसा बच्चों? नेचर कैसा? नेचर, नेचर इस बार देखो डॉटेड लाइन दिख रहा है, यस दिख रहा है, मतलब वर्चुअल, वर्चुअल एंड जो वर्चुअल होता है वही सीधा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, वर्चुअल मतलब सीधा। याद करो पिनहोल कैमरा में जो इमेज बनता था वो उल्टा बनता था, दैट इज अ रियल इन्वर्टेड, ठीक है? और जहां पर डॉटेड लाइन होगा प्लेन मिरर में जो आपने सीखा है वो मेरा बनता था वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो डॉटेड लाइन हमेशा देखो, इसका एरो मार्क देखो, इसका एरो मार्क सीधा था, इसका भी सीधा है, ये ऊपर की तरफ ही, लेकिन बाकी सब में उल्टा बना हुआ है। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन भी आता है आपका, तो देखो आप अगर चेक करो तो ध्यान दो, कंकेव मिरर जो है वो दोनों तरह का इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड भी बनाता है, और लास्ट पोजिशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पहला क्वेश्चन मैंने दिया था कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज कब बराबर होता है, जब पोजिशन सी पे होता है ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कंकेव मिरर के केसेस में वर्चुअल इमेज कब बनता है, किस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के चलते वर्चुअल इमेज बनता है, और एट विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ द कंकेव मिरर द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। तो देखो बिटवीन पी एंड एफ में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो वर्चुअल एंड इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, बाकी और किसी भी पोजिशन में आपके वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म नहीं करता। तो ये खास पोजीशंस याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको रखना है, 5 या 6 नंबर जो भी होगा उसको अपलोड करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इजी, समझ में आ रहा है सबको? फाइन, मिटा दें स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, चलिए मिटा दें। अब बच्चों एक बात करते हैं, सर ये तो सिर्फ कंकेव का हुआ तो कन्वेक्स का? हाँ हाँ हाँ, डरना नहीं है, डरना नहीं है, ये नहीं कि सर 6 पॉइंट यहां तो 6 पॉइंट कन्वेक्स में, बिल्कुल नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं, कन्वेक्स में सिर्फ एक ही डायग्राम है,
खुश हो जाओ। जैसे कंकेव में हर पोजीशंस के लिए अलग अलग डायग्राम थे, अलग अलग रे डायग्राम थे, कन्वेक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायग्राम का यूज करना है और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो क्या करें, क्यों होगा, पहले ये क्वेश्चन समझते हैं कि क्यों होगा एक डायग्राम सिर्फ। तो सिंपली बच्चों समझ लो, आप कन्वेक्स मिरर में आ रहे हैं, कन्वेक्स मिरर मतलब ऐसा, देख लो एक डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा ऑब्जेक्ट हमेशा यहां इधर लेफ्ट साइड में रहेगा। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये है कि जिधर पॉलिश्ड है उसी जगह पर तो सेंटर है, सर्कल ऐसे पूरा हो रहा है, मतलब सी यहां पर है। तो बच्चों सी यहां, एफ यहां, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा रिफ्लेक्टेड सर्फेस की तरफ रहता है। ऑब्जेक्ट यहां रहेगा तभी तो उसका चेहरा नजर आएगा, यहां रहेगा तो चेहरा नजर नहीं आएगा। लेकिन सर्कल इधर से पूरा होता है, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा। ये कंसेप्ट मालूम है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में यह कंसेप्ट बताया हुआ है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज उसको देखिए कि यह कैसे बन रहा है। ओके, अब यहां पर है ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहां पर पोल और इंफिनिटी में के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं भी कुछ भी रख दो, इमेज हमेशा इधर ही बनेगा और वो एक ही तरह का बनेगा। मतलब इसका पोजीशन ही कुछ नहीं है, इस जगह पे हम कोई पोजीशंस नहीं करते क्योंकि सारे पोजीशंस आपके पॉलिश सरफेस की तरफ में है, पॉलिश सरफेस की तरफ में। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो करते हैं थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो ये एक्सटेंड करते हैं इस जगह पे फोकस और इस जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों यहां पर एक ही डायग्राम क्यों है? इसलिए है क्योंकि सारे पोजीशंस इधर हैं, जगह इधर है। आपकी मम्मी फोन करेगी तो आप यहां पर कोई जगह बता ही नहीं सकते, आप सिंपली बोलेंगे या तो इन्फिनिटी के बाद में या पोल के पास, ना पोल पे जाना है ना इन्फिनिटी पे जाना है, अभी नहीं जाना, इन्फिनिटी के आगे आई तो क्या बोलेंगे? कहीं भी सीधा बोलेंगे मम्मी हम कन्वेक्स मिरर के सामने है, ऐसे ही बोलेंगे। चेक कीजिए, सोचिए जरा सा, कन्वेक्स मिरर के आप सामने है। ओके, अब देखो बच्चों क्या होगा, ये रहा इंसिडेंट रे, याद करो इधर जाएगा तो कंकेव में फोकस में, लेकिन यहां तो है नहीं फोकस, अब इधर पड़ता है ऊपर की तरफ। लेकिन देखने में कैसा लग रहा है बच्चों कि यह डॉटेड लाइन आपको जोड़ना है थोड़ा सा, ताकि यह देखने में आप लगेगा कि फोकस की तरफ से यह रे जो है वो निकल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? फोकस की तरफ से देखने में मतलब अपेरेंट आपको लग रहा है कि वो वहां से जा रहा है। ओके, दूसरा क्या रूल है बच्चों? तो एक लाइन आप स्केल ले हुए, ठीक है, और एक लाइन ऐसा खींचोगे जो 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 सेंटर ऑफ, दूर हो गया मेरा थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कर देते हैं, इस जगह से जा रहा हो तो आपको मालूम है अगर कोई ऐसा रे दिखता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता है तो देखने में भी वो ऐसा आएगा। थोड़ा आप स्ट्रेट बनाएंगे बच्चों। अब देखो जहां दोनों काटे इस जगह पे, उस जगह पर ही आपका इमेज जो होता है वो बनता है। तो ये जनरली काटते हैं आपको पी और एफ के बीच में, हो गया। तो क्या करेंगे बताओ, ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट कहां पर है? फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, सिंपल लिखो फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का कोई पोजीशन नहीं है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों बताओ पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? इमेज कहां बन गया? पोजीशन बताओ, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर। इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ये जरूरी है लेकिन ये वाला बिहाइंड द मिरर। अब साइज कैसा? साइज ऑफ इमेज छोटा बनता है बच्चों, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उससे छोटा साइज। नेचर कैसा? देखो तो नेचर के लिए क्या बताए थे, कहीं डॉटेड लाइन है? बिल्कुल सर, डॉटेड लाइन ही दिख रहा है। तो कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। समझ में आ रहा है सबको? तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही पोजीशन, एक ही डायग्राम होता है, क्योंकि इसके सारे पोजीशन पॉलिश सरफेस की तरफ होते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ खड़ा रहता है। उसका कोई पोजीशन फिक्स नहीं, कहीं भी रख दो हमेशा उसका ऑब्जेक्ट यही बनता है। और इसी के कारण आपने देखा होगा जब आप बाइक चलाते हैं या कार के लुकिंग ग्लास में या रियर ग्लास में, रियर मतलब पीछे देखने वाले, रियर व्यू मिरर में अगर आप देखते हैं तो आपको देखने में आपको बहुत वाइडर फील्ड नजर आता है ना? आदमी छोटा छोटा नजर आता है लेकिन उसके आसपास का एरिया वाइडर, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं वाइडर व्यू के लिए, ताकि इसमें बहुत सारे लोगों को नजर आ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेजेस फॉर्म बाय कंकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कंकेव एंड कन्वेक्स मिरर का अलग अलग जगह पर बहुत सारे यूजेस होते रहते हैं, हाँ,
और टेलीस्कोप में इसका यूज कर सकते हैं, ऑप्थाल्मोस्कोप जो आई के डॉक्टर होते हैं वो यूज करते हैं कंकेव मिरर में। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो जनरली आपके रियर व्यू मिरर के लिए खासतौर से यूज किया जाता है। एक खास बात जो कंफ्यूजन देती है वो ये हेडलाइट में, हेडलाइट समझते हैं ना बाइक का, आपके घर में बाइक होगा, बाइक का हेडलाइट देखो, बाइक का हेडलाइट के अंदर जो कटोरी टाइप का होता है ना अंदर की तरफ देखना ध्यान से, वो हो गया कंकेव, और बाइक का जो पीछे देखने के लिए जो मिरर होता है जिसको हम रियर व्यू मिरर कहते हैं वो हो गया कन्वेक्स। मतलब एक ही बाइक में दोनों मिरर के हो सकते हैं, यानी कंकेव हेडलाइट में और पीछे की तरफ रियर व्यू मिरर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए या नहीं आए इसके बारे में जरूर कमेंट्स कीजिए, योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए और एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमम आए, ठीक है। तब तक कीप लर्निंग विद एसपी एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।